कुछ एक शेयर है 615 के टारगेट के लिए आप टाटा केमिकल को अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक शेयर देखिए ग्रीव्स कॉटन, ये करीब 9% ऊपर है। एक्चुअली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं ना, चाहे वो इंजन बना रही हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स दे रही हैं, या फिर फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर सीजनल चेंज वाली जो कंपनी है, उनमें इस समय बाज़ार का फ्लेवर ऐसा है कि आप सिर्फ बताइए और सिर्फ उसकी वैल्यूएशन कीजिए जज को ठीक ढंग से, आपको चलते हुए दिखेंगे जैसे कि वाडीलाल, जैसे कि सिम्फनी, जैसे कि वोल्टास, ग्रीव्स कॉटन। ये एक्चुअली इंजन बनाती है और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से भी जुड़ी हुई शेयर्स है। एक बार ग्रीव्स कॉटन का ब्रिजेश आप चार्ट देखिए, ये BTST का कैंडिडेट है अभी या फिर इंट्राडे में जिनको प्रॉफिट होना था ये 9% हो गया, अब बस अब और नहीं चाहिए और आएगा भी नहीं। देखिए आज के सत्र में 52-week टॉप बनाया है ये शेयर ने और विद वॉल्यूम के संग में चला है, तो सलाह तो यही होती है कि जब कभी भी वॉल्यूम के संग में कोई चीज बढ़ती है तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन रखिए अगर प्रॉफिट लेना है ज्यादा। तो स्टॉप लॉस बतौर मैं ये कहूंगा कि 160 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। स्ट्रीम अभी बाकी है, BTST तो नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में लगभग एक 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये स्टॉक आपको 190-192 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखे। लेकिन और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इसी तरह का मूव दे रहे हैं। उकाल फ्यूल, ग्रीव्स कॉटन के बाद एक फेडरल मॉगल को भी देख लीजिए, यहाँ भी एक सडन स्पर्ट है इसी तरीके का। और ये तमाम वो कंपनियां बेनिफिशियरी हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के 23 नॉर्म्स पर वर्डिक्ट के बाद। आप देखिए फेडरल मॉगल में भी स्पर्ट आया, पिस्टन बनाती है कंपनी और 6% के उछाल के साथ ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ और सेगमेंट्स देखें तो गौरांग, ये भारतीय इंफ्राटेल पर आप एक कमेंट्स लेना चाहेंगे। आज भी ये स्टॉक 4-4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल यहाँ पर 10% स्टेक सेल की खबर थी और आज भी सिमिलर न्यूज़ फ्लो जहाँ पर 1.25% ब्लॉक डील के जरिए जो स्टेक है वो भारतीय एयरटेल ने शेड किया है। लेकिन ये 334 के लेवल्स पर आपको लग कैसा रहा है, क्या यहाँ से और मजबूत होने की प्रोबेबिलिटी भी लग रही है? वेल दीपाली, हमारी राय विपरीत है और कुछ समय पहले बिकॉली की राय दी थी हमने और जो लक्ष्य थे नीचे की तरफ वो मुकम्मल हो चुके थे। अब ज़्यादातर ये स्टॉक तब चलता है जब यहाँ पर किसी तरह का स्टेक सेल या फिर किसी को हाई परसेंटेज ऑफ स्टेक बिकॉली की बात आती है तब चलता है। कामकाज के मामले में ऐसे कोई आसार हमें तो नज़र नहीं आते हैं कि हम यहाँ पर निवेश की राय दें, अगर है तो स्तर पर या उछाल पर बेचें। मेरा मानना है कि अगर आपको निवेश के और टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी कंपनियां, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पास प्राइसिंग पावर लौट करके आएगा। उम्मीद रखता हूं कि जो रिलायंस जियो का ऑफर था उसको लेकर के सब्सक्राइबर बेस में कितनी बढ़ोतरी होती है वो आने वाले हफ्ते दो हफ्ते में पता चलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से कमर्शलाइज हो गया है रिलायंस जियो, हो जाएगा रिलायंस जियो का क्यों पार्टनर, तो मेरे ख्याल से एक रिविजिट तब करना पड़ेगा। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करने के लिए इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। ठीक है, आज अच्छी चीज है कि मार्केट के अंदर रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, भले परसेंटेज में कम है लेकिन 2-3 दिन के ठहराव के बाद आज रिलायंस फिर से चलना शुरू हुआ है और अभी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। आज सुबह नेगेटिव खबर थी, ज्यादा टूटा नहीं लेकिन अब संभाल रहा है, बाजार का एक बड़ा ट्रिगर भी हो सकता है। JK टायर, इसके अंदर भी हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। कुछ एक टायर कंपनीज भी आपको बता भी रहे थे, गुडियर का एग्जांपल हमने आपको दिया कि कहीं कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी। JK टायर पुल बैक का कैंडिडेट है। GM फाइनेंशियल और ला ओपाला दो ऐसे शेयर है जिनमें आज बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी, उस ब्लॉक डील के बाद का इंपैक्ट देखिए, अभी दोनों ही शेयर ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। JM फाइनेंशियल में करीब करीब 84 के प्राइस पे हुई थी ब्लॉक डील ये, और लाओपाला के अंदर भी एक अच्छी डील थी, अभी मेरे को साइज याद नहीं आ रहा लेकिन साइज बड़ा था उस हिसाब से, और इस शेयर का इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं जो करीब 3 बजे से पहले का एक सडन स्पाइक देखा है ना आपने, ये उसी ब्लॉक डील का इंपैक्ट था जो इस शेयर को ऊपर लेके आया करीब करीब 6%। अभी लाओपाला भी चल रहा है, दोनों शेयर्स पे भी हम रिकमेंडेशन लेंगे कि अब इनमें करना क्या है। लेकिन इस बीच अब फाइनल बेट का समय है, आइए पहले वही देखते हैं। बताइए मनीष, फाइनल बेट आज का। तो शुक्रिया दीपाली, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि बाजार पे जो है ना वैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है जिसपे BS4 नियम जब लागू होगा उनको ऑर्डर मिलेंगे। यूकाल फील इसका एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी था, 20% का अपर सर्किट पर कारोबार करा। कुछ और ऑटो इन सभी कंपनियाँ हैं जिसको सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। फेडरू मुगल गोडजे होगा एक कंपनी जिसमें कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए जिस तरह से BS4 के को लेकर फैसले हैं, BS3 को लेकर फैसले हैं, ये कंपनी जो है BS4 से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में, उससे जुड़े प्रोडक्ट बनाने के कारोबार में है।
यही वजह है कि बीते आधे घंटे में देखिए सामान्य तौर पर शेयर में वॉल्यूम कम होता है, लेकिन 15 दिनों के एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले अभी शेयर में वॉल्यूम जो है कई गुना बढ़ता हुआ दिखा है। बीते अगर 5-6 सत्रों का देखेंगे तो शेयर में करीब 62% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी, लेकिन अभी की जो खरीदारी है वो बीते कई कह सकते हैं हफ्तों के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। उसके बाद ये शेयर जो है तकनीकी तौर पर डेली चार्ट पे अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आके कारोबार कर रहा है, तो ऐसे में लगता है कि इन शेयरों में यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। करीब 21-22 रुपये का कंपनी के पास कैश ईपीएस है, आज के लिए कैश है बुक में, आज के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी करीब 535 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा, 507 रुपये के आसपास का स्टॉपलॉस लगाना है, यहाँ से हो सकता है शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिले। ठीक है, 535 के टारगेट के लिए इस शेयर पे आप ध्यान रख सकते हैं। शुक्रिया मनीष। केएसपी पंप एक और शेयर है जो कि इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है, और थोड़ी देर पहले आप ग्रीस कॉटन को देख रहे थे, इंजन ही बनाता है यूजली, है ऑटो के लिए भी होता है और एग्रीकल्चर दोनों के लिए है। केएसपी पंप इस समय ऊपर आ चुका है। एक और शेयर भी देखिए वह क्लेरेंट केमिकल, केमिकल शेयर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है, ये भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। लिकर स्टॉक पे एक फैसला भी आना बाकी है कोर्ट का, आज कोर्ट के दो बड़े फैसले आने थे, एक तो आ चुका है जो कि ऑटो की पिटाई कर चुका है, दूसरा लिकर कंपनीज को झुमा रहा है, ये फैसला भी आया नहीं है, उससे पहले शेयर्स चलना शुरू हो गए हैं। यूनाइटेड ब्रिवरीज ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। गौरव एक बार आप शेयर देखिए यूनाइटेड ब्रिवरीज का ही, ये एडजस्टमेंट हो रही है कुछ डाटा की या फिर ये किसी न्यूज फ्लो को भी चेस कर रहा है, डाटा ये अलाउ कर रहा है क्या? देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अरसे से यही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशंस बनती नहीं, ऐसे भी थोड़ा लिक्विड काउंटर है तो ज़्यादा पोजीशंस बनती नहीं है, लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि 760 के आसपास में बार बार थोड़े ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनते हैं, ज़्यादा देर टिकते नहीं लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनते हैं, तो अगर इस स्टॉप लॉस एक बार ले सकते हैं, ऊपर में ज़्यादा नहीं लेकिन 815-820 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं जी। लेकिन अभी जेएम फाइनेंशियल की हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, अगर हम पूरे ही फाइनेंशियल स्पेस को देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी है। जेएम फाइनेंशियल एडवाइज ये बस कर रहे हैं ब्रोकरेज इंडस्ट्री के स्टॉक, आप देखिए एनबीएफसी स्पेस में सुंदरम फाइनेंस को, मुथूट फाइनेंस को, ये सभी स्टॉक्स जो हैं वो इंट्राडे हाइस पर एक अच्छी मजबूती रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो पूरे ही एनबीएफ फाइनेंशियल स्पेस में जो मोमेंटम है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ये ब्रिजेश कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या नए ट्रेड के लिहाज से, एक दिन दो दिन तीन दिन कोई रिकमेंडेशन है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल स्पेस से? देखिए फाइनेंशियल स्पेस से अगर आप देखना चाहें तो आप महिंद्रा फाइनेंशियल को देख सकते हैं, आज के सत्र में हालांकि 2% टूटा हुआ है, लगभग 320 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 305 का अच्छा सपोर्ट है, तो अगर 315 के आसपास में मिलते तो शॉर्ट टर्म के बतौर आप उसमें बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस 305 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 335। दूसरा मुथूट फाइनेंस में आप बाइंग हो रही है तो उसके मद्देनजर रखते हुए एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लगभग 382 के आसपास में चल रहा है, 378 का अच्छा सपोर्ट है और उसके बाद में 368, तो अगर 378 के आसपास में मिलता तो डेफिनेटली एक बार बाइंग का राय रहेगी 368 का स्टॉप लॉस लेके, एंड टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 400। ठीक है गौरांग, ये एफएमसीजी कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, आज भी आईटीसी ऊपर है, मैरिको हमने सुबह भी एक शेयर आइडेंटिफाई करके फास्ट 50 में दिया था, वो चल रहा है आज करीब 2.5% ऊपर है और ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है, ऑलमोस्ट इसमें टारगेट भी हिट कर दिया आज। मैरिको आईटीसी एचयूएल इन सब पे किसी पे आपकी कवरेज है? अच्छा है तो उसका टारगेट क्या होगा? मैं पोर्टफोलियो को अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ ठीक जीएसटी से पहले, उसमें एफएमसीजी कंपनीज को वेटेज देना चाहता हूँ, किसको चुन के रख लूँ? वेल एफएमसीजी क्षेत्र से जो हमारी सूची है पसंदीदा शेयर की वो थोड़ी लंबी है डिम्पी, आईटीसी एचयूएल डाबर मैरिको गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गोदरेज इंडस्ट्रीज और इमामी, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी रोल आउट और ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ेगी उससे बिक्री बेहतरीन होगी और उससे नतीजे भी काफ़ी शानदार आएंगे, तो निवेश है तो बने रहे और अगर नहीं है तो मौके ढूंढ सकते हैं, इतने सबके लक्ष्य देना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत कमज़ोर है। ठीक है, एक और लेकर कंपनी आपके सामने रख देता हूँ, वो है अब रेडिको खेतान आपके सामने होगा, लेकिन क्वालिटी पार्टिल इस बीच देखिए, ये एकदम से सडन स्पाइक के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर है, ये 12% की मजबूती है, और आप ये बात समझ लीजिए कि इंफ्रा कंपनीज के अंदर अगर आपने कोई अच्छी कंपनीज को नहीं चुना तो आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया,
क्योंकि पिछले 20 दिन तो हो गए मेरे को ही ये बात रखते हुए आपके सामने कि इंफ्रा कंपनीज के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। हम हर रोज़ कहीं ना कहीं एनालिस्ट से ज़रूर पूछते हैं कि कोई इंफ्रा कंपनीज हमको बताइए, खासकर छोटी इंफ्रा कंपनीज की वैल्यूएशन इस समय बाज़ार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी और समझ में आ रही है। इसके बारे में आज भी चर्चा करेंगे, क्वालिटी पाटिल का शेयर कितना ठीक लग रहा है एनालिस्ट को। लेकिन पहले साक्षी बत्रा से जुड़ते हैं और उनसे ये समझ लेते हैं आज की BTST कॉल्स कौन सी हैं। साक्षी बताएँ आप। शुक्रिया डिम्पी, शुरुआत करेंगे हम राजेश सतपुते की कॉल्स के साथ। इन्होंने पहली पिक रखी है BTSC ट्रेड के लिए कैस्ट्रॉल की, जहां 438 के टारगेट से देखते हैं 415 का इन्होंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। साथ ही बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक इनको पसंद है, जहां पर ये बुलिश ट्रेड लेने के लिए कह रहे हैं। टारगेट्स यहाँ पर 318 के रखे हैं, नीचे में हमें स्टॉप लॉस 298 का मेंटेन करना है। इसके अलावा लवली शर्मा से भी हमने बातचीत की और दोनों ही पिक्स उन्होंने बैंकिंग स्पेस से हमें दी है BTST के लिए। पहली पिक इनकी एक्सिस बैंक रहेगी, जहाँ पर 530 के ये टारगेट्स देखते हैं, नीचे में हमें स्टॉप लॉस 490 का लगाना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकी अगली पिक है, जहां पर ये 300 के ऊपर टारगेट देखते हैं, 300 का टारगेट बताया है और 278 का नीचे में हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। AK प्रभाकर की तरफ से भी राय आई है, ITC इनकी पहली पिक रहेगी, जहां पर ये BTSC ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कह रहे हैं। 289 का इन्होंने टारगेट रेकमेंड किया है, नीचे में स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 279.60 का। साथ ही पावर ग्रिड इनकी आखिरी पिक है, जहां 201 के अपसाइड टारगेट देखते हैं, 195 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है। जी शुक्रिया साक्षी आपका ये ट्रेड्स बताने के लिए। एक बार कोल्टे पाटिल को फिर से देख लेते हैं। सर्किट लग गया बिल्कुल 20% ऊपर ट्रेड, 12% पे था, अब ये सर्किट पे चला गया, आज तो नहीं मिलेगा। अब आपको तो बायर फ्रीज लग चुका है, लेकिन इंफ्रा स्टॉक्स में वाइब्रेंसी है। हाँ, जो आपने बात की थी, इनफैक्ट सुबह आपने एक स्टॉक का जिक्र भी किया था HEC इंफ्रा, उस स्टॉक को भी अगर हम अभी देखें तो वो भी 11.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इंफ्रा स्पेस जो है वो डेफिनेटली एक्शन में है। अविनाश, अगर गौरांग, अगर किसी ने अभी इंफ्रा स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है, करना हो तो कोई रिकमेंडेशन है आपकी, जहां पर वैल्यूएशन अच्छी लग रही हो, डिसेंट गेन्स आपको लगता है कि आने वाले समय में मिल सकते हैं? दीपाली, उस पर टिप्पणी करने से पहले माफी चाहूंगा, लेकिन ये तीसरी बार जो है आप मुझे अविनाश के नाम से एड्रेस करें, लगता है मुझे मेरा नाम ही बदलना पड़ेगा।